हाय दोस्तों, यह सैमसंग का रेफ्रिजरेटर सिंगल डोर, जो कि दोस्तों इसका फ्रीज़र बॉक्स लीक हो चुका है। कस्टमर ने चाकू से मारा हुआ इधर। तो दोस्तों हम इसको ये बॉक्स भी चेंज करेंगे, और बॉक्स चेंज करने के लिए दोस्तों इसमें क्या क्या चीज़ चेंज करना है वो भी बताएंगे, जो कि अक्सर टेक्नीशियनों को मालूम नहीं होता है, जो कि कंपलसरी जाने के बाद वो चीज़ आपको चेंज करना ही है, जो कि फिर से प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, नया वाला फ्रीज़र बॉक्स है, जो कि पुराना वाला हमने निकाला है। तो दोस्तों पहले हम इसको सामने का कंप्लीट कर लेंगे पूरा, उसके बाद पीछे की तरफ जाएंगे। सामने की तरफ देखिए दोस्तों, भी क्या बचा है हमको, फ्रीज़र बॉक्स बिठाना है। उसके बाद हम चेंज करेंगे इसका कैपिलरी भी, जो कि दोस्तों बहुत ज़रूरी है कैपिलरी, क्योंकि ऑयल चढ़ने की वजह से दोस्तों इसमें भी ऑयल बहुत ज़्यादा आता है। तो हम सफाई भी करेंगे तो फिर बाद में मॉइस्चर पकड़ने के चांसेस ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हम कैपिलरी भी चेंज करेंगे। ज़रूरी है कैपिलरी दोस्तों, जो कि आपको बार बार फिर प्रॉब्लम नहीं देगा, वो जैसे पानी पानी होना या बार बार चौक होना, ऐसा कुछ भी समस्या ही नहीं है, समस्या ही कुछ भी नहीं आएगा। ये दोस्तों हम इसका कैपिलरी चेंज कर रहे हैं पहले, जो कि 36 कैपिलरी है दोस्तों, हम सिर्फ 10 फिट ही डालते हैं इसमें। दोस्तों इसका हम ऑयल निकाल रहे हैं, जो कि हमको नया डालना है कंपलसरी, आपको ऑयल चेंज करना ही पड़ेगा दोस्तों, वरना फ्रीज़र बॉक्स पानी पानी होने के चांसेस है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी भी जा सकता है, इसीलिए हमने वो भी चेंज कर रहे हैं ऑयल भी। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर ऑयल भी नहीं है, जो कि कम से कम 200 ग्राम तो कंपलसरी होता है कंप्रेसर को, जो कि आप देख सकते हैं कम है। इसी वजह से भी दोस्तों कंप्रेसर डस्ट मारता है, ऑयल कम रहने से भी डस्ट मारता है। देखिए दोस्तों, हमने इसको कैपिलरी भी चेंज किया हुआ है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद हम ऑयल भी निकाले हुआ है, अभी ऑयल भी चढ़ा रहे हैं इसको दोस्तों।
थोड़ा सा फ्लैश मारें दोस्तों, सफाई है। अभी हम इसको मारेंगे ड्रायर। तो दोस्तों ये फाइनली जेंड है हमारा, क्योंकि सेक्शन है। उसके बाद हम वैक्यूम लगाएंगे इसको जेंड होने के बाद। तो दोस्तों हमने लगाया है इसको वैक्यूम पे, तो उसको एक 10 मिनट वैक्यूम पे रखेंगे दोस्तों। उसके बाद इसमें गैस डालेंगे। वैक्यूम तो हो चुका है दोस्तों। लिक्विड देखना ज़रूरी है दोस्तों आपको। देखिए दोस्तों फ्रिज तो चालू किया है हमने गैस मार के, तो दोस्तों अभी एक घंटा चलाकर देखेंगे रिजल्ट कैसा आया है। तो दोस्तों पिछले एक घंटे से अभी ये रन हो रहा है, तो चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों पूरा कूलिंग आ चुका है इसका, बर्फ आप देख रहे हैं। तो दोस्तों हमारा काम तो सक्सेस हो चुका है। तो दोस्तों मालूम पड़ गया होगा कि फ्रीज़र बॉक्स में जब सुराख पड़ता है तो क्या क्या चेंज करना है। पहले तो हमको एक 10 फीट कैपरी चेंज करना है और कंपलसरी ऑयल भी चेंज करना है। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूँ।